हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाले सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है आपके एग्जामिनेशन के पहले। इसमें सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन डुओडेनल अल्सर इज सुक्रालफेट, लैंसोप्राजोल, ट्राइपोटेशियम बिस्मथेट, जेलुसिल। ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन डुओडेनल अल्सर। तो ये होता है लैंसोप्राजोल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है लैंसोप्राजोल विच इज यूज्ड इन डुओडेनल अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग दैट कॉजेस एंजाइम इनहिबिशन इज सिमेटिडिन, कार्बामाजेपाइन, फिनिटोइन, फिनोबार्बिटोन। ड्रग दैट कॉजेस एंजाइम इनहिबिशन, तो इनमें से कौन कॉज कराता है एंजाइम इनहिबिशन? तो एंजाइम इनहिबिशन कॉज कराता है सिमेटिडिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिमेटिडिन कॉजेस एंजाइम इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलोमल इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड। तो क्या होता है कैलोमल? तो यह होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिप जॉइंट इज क्लासिफाइड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट। तो किसमें आता है हिप जॉइंट? तो हिप जॉइंट आता है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हिप जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैजिक रिमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1954, 1944, 1919, 1930। तो कब बना था मैजिक रिमेडीज एक्ट? तो मैजिक रिमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1954। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंटोनाइट इज यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होता है बेंटोनाइट? तो बेंटोनाइट होता है सस्पेंडिंग एजेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेंटोनाइट इज यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रिप्रेस्ड बाय द इंसुलिन हार्मोन? ग्लाइकोजन रिडक्टेज, ग्लाइकोजन सिंथेस, पाइरुवेट काइनेज, हेक्सोकाइनेज। एंजाइम इज रिप्रेस्ड बाय द इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन रिप्रेस कराता है पाइरुवेट काइनेज को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। पाइरुवेट काइनेज इज रिप्रेस्ड बाय द इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटी डायुरेटिक हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो कहां से सीक्रेट होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन? तो एंटी डायुरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, एंड वैसोप्रेसिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटी डायुरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन एंड इज सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश सेपरेट मूवेबल इरेग्युलर बोन्स 20, 15, 10 और 24। द वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश सेपरेट मूवेबल इरेग्युलर बोन्स। तो कितने सेपरेट मूवेबल इरेग्युलर बोन्स होते हैं वर्टेब्रल कॉलम में? तो ये हो जाएगा 24। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 24 सेपरेट मूवेबल इरेग्युलर बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज डॉक्सीसाइक्लिन, फ्यूरोसेमाइड, निस्टैटिन, सिमेटिडिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉचेट टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट ग्लूकोज, बिलीरुबिन, ब्लड और एल्बमिन। तो किसके डिटेक्शन में यूज करते हैं फॉचेट टेस्ट का? तो फॉचेट टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट बिलीरुबिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिलीरुबिन के डिटेक्शन में यूज करते हैं फॉचेट टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। The mechanical device with the least risk of pregnancy is condom, diaphragm, IUD, intrauterine device or oral contraceptives. The mechanical device with the least risk of pregnancy. तो इनमें से किससे होती है least risk of pregnancy? तो ये होता है intrauterine device. Option C will be your correct answer.
The mechanical device with the least risk of pregnancy is IUD, intrauterine device. Next question. Cerebrosides are glycolipids, phospholipids, derived lipids or sulfolipids. तो क्या होते हैं सेरिब्रोसाइड्स? तो सेरिब्रोसाइड्स आर ग्लाइकोलिपिड्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओपेसिटी एजेंट इज जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इनमें से कौन सा होता है ओपेसिटी एजेंट? तो ओपेसिटी एजेंट होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड. टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिटी एजेंट. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ज़ाइलोमेथाज़ोलिन इज क्लासिफाइड एज नेसल डिकंजेस्टेंट, लोकल एनास्थेटिक, एन एंटीटसिव एन इमिटिक. तो क्या होता है ज़ाइलोमेथाज़ोलिन? तो ज़ाइलोमेथाज़ोलिन होता है नेसल डिकंजेस्टेंट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिथियम कार्बोनेट थेरेप्यूटिकली यूज टू ट्रीट सिज़ोफ्रेनिया, मेनिया, इंसोम्निया और एपिलेप्सी. तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लिथियम कार्बोनेट का? तो लिथियम कार्बोनेट थेरेप्यूटिकली यूज टू ट्रीट मेनिया. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मेनिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लिथियम कार्बोनेट का. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सेप्ट मेटाबोलिज्म, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म्स used to describe pharmacokinetics except. तो इनमें से किसे pharmacokinetics को describe करने के लिए use नहीं करते? तो pharmacokinetic होता है ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion. So option B हो जाएगा आपका correct answer. इसमें adsorption नहीं आता, ठीक है? Next question. Hypersecretion of thyroid hormone results in myxoedema, goiter, cretinism, Graves' disease. हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन रिजल्ट्स इन. तो क्या होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन? थायरॉयड हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है? तो थायरॉयड हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होता है ग्रेव्स डिसीज. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ग्रेव्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी एक्सेप्ट एजुकेशन, ड्रग सेफ्टी, एडवाइजरी, रिव्यू. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी एक्सेप्ट. तो इनमें से क्या फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी के ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिव्यू. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एजुकेशन, ड्रग सेफ्टी, एडवाइजरी ये सभी होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीटीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Killed inactivated vaccine is mumps, measles, rubella और diphtheria. तो कौन सा होता है killed inactivated vaccine? तो इसमें आता है diphtheria. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. diphtheria होता है killed inactivated vaccine. नेक्स्ट क्वेश्चन. tamoxifen is an estrogen receptor antagonist indicated for the treatment of lung cancer, leukemia, breast cancer or all. तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं टैमोक्सिफेन का? तो टैमोक्सिफेन होता है इस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट एंड इट इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं टैमोक्सिफेन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेजेस इन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशंस आर नोन एज प्रोप्राइटरी प्रिपरेशंस, रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस, पेटेंट प्रिपरेशंस और अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस. तो क्या होते हैं ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेजेस इन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशंस? तो इन्हें बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ नियोमाइसिन, केनामाइसिन, एमिकासिन और ऑल. तो इनमें से किससे होता है हियरिंग लॉस? कौन कॉज कराता है हियरिंग लॉस? तो हियरिंग लॉस साइड इफेक्ट होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का. एंड नियोमाइसिन, केनामाइसिन, अमिकासिन ये तीनों होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ नियोमाइसिन, केनामाइसिन एंड अमिकासिन ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Overdose of paracetamol causes delirium, complete AV block, bleeding और hepatic necrosis. तो क्या cause कराता है overdose of paracetamol? तो overdose of paracetamol causes hepatic necrosis. Option D will be your correct answer. Paracetamol के overdose से होता है hepatic necrosis. Next question. The ambulatory care and home care services division is categorized under the professionals and clinical services, research and support services, educational and technical services, investigational drug studies division. तो किसमें आता है ambulatory care and home care services division? तो ये आता है professionals and clinical services में. Option A will be your correct answer. The ambulatory care and home care services division is categorized under the professionals and clinical services. ठीक है? Which of the following is not an enzyme? Diastase, ipecacuanha, pancreatin, yeast. Which of the following is not an enzyme? तो diastase, pancreatin, yeast ये सभी है enzymes. Option B हो जाएगा आपका correct answer. Ipecacuanha is not an enzyme. Next question. Sulfonylurea drug indicated for the treatment of diabetes insipidus. Glipizide, tolbutamide, glyburide, chlorpropamide. Sulfonylurea drug indicated for the treatment of diabetes insipidus. तो diabetes insipidus में यूज करते हैं chlorpropamide का. Option D हो जाएगा आपका correct answer. Chlorpropamide is indicated for the treatment of diabetes insipidus. Next question. Alkaloid used to treat bronchial asthma. Imatin, ephedrine, ergometrin, strychnine. Alkaloid used to treat bronchial asthma. तो किसका यूज करते हैं टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा? तो ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं इफेड्रिन का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इफेड्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. शार्क लिवर ऑयल इज ए डैश सोर्स ऑफ ड्रग. प्लांट, एनिमल, मरीन, मिनरल. शार्क लिवर ऑयल इज डैश सोर्स ऑफ ड्रग. तो यह होता है मरीन सोर्स ऑफ ड्रग. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. शार्क लिवर ऑयल इज ए मरीन सोर्स ऑफ ड्रग. Next question. Dash is the crude drug used in the treatment of leukemia in children. Sena, Datura, Clo or Vinca. तो कौन सा crude drug use करते हैं in the treatment of leukemia in children? तो इसमें use करते हैं Vinca का. Option D हो जाएगा आपका correct answer. Vinca is a crude drug used in the treatment of leukemia in children. Next question. Tretinoin is also called tetrahydrocurcuminoid, alpha hydroxy acid, boswellic acid, retinoic acid. तो क्या बोलते हैं tretinoin को? तो tretinoin is also called retinoic acid. Option D हो जाएगा आपका correct answer. Tretinoin होता है retinoic acid. Next question. The drug which can cause ventricular arrhythmia if given with terfenadine is ketoconazole, griciofulvin, ampicillin or sparfloxacin. The drug which can cause ventricular arrhythmia if given with terfenadine. तो इनमें से कौन cause कराता है ventricular arrhythmia if given with terfenadine? तो ये होता है ketoconazole. Option A will be your correct answer. Ketoconazole if given with terfenadine causes ventricular arrhythmia. Next question. Quinovin is a tannin, protein, alkaloid or glycoside. तो क्या होता है quinovin? तो क्यूनोविन इज ए ग्लाइकोसाइड. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. क्यूनोविन होता है ग्लाइकोसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग ए फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक्स द पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड टू अवॉइड ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, कंज्यूमिंग प्रोसेस्ड चीज, फिजिकल एक्सर्शन, ऑल ऑफ द अबव. व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग ए फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक्स द पेशेंट शुड एडवाइज टू अवॉइड. तो क्या एडवाइस देते हैं व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक्स? तो एडवाइस होता है पेशेंट शुड अवॉइड ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. पेशेंट शुड बी एडवाइस्ड टू अवॉइड ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विदाफेरिन इज नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, एन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, एन एंटी डायबिटिक एजेंट, एन एंटी ट्यूमर एजेंट. विदाफेरिन इज नॉट. तो इनमें से क्या नहीं होता विदाफेरिन? तो विदाफेरिन बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, एंटी डायबिटिक एजेंट भी होता है एंड एंटी ट्यूमर एजेंट भी होता है.
विदाफेरिन इज नॉट एन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. विदाफेरिन होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटी डायबिटिक एंड एंटी ट्यूमर ऑल्सो. ये एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्डोज इज ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज, राइबोज, एरिथ्रोज. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्डोज तो कौन सा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्डोज? तो ये होता है ग्लिसरल्डिहाइड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ग्लिसरल्डिहाइड होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्डोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू एनीमिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नॉन आर्टिकुलर रूमेटिज्म, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो किससे रिलेटेड होता है G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी? तो ये रिलेटेड होता है एनीमिया से. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. G6PD डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू हेमोलाइटिक एनीमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्रेडेशन ऑफ राइबोफ्लेविन बाय लाइट इज क्लासिफाइड एज रेसिमिजेशन, फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. द डिग्रेडेशन ऑफ राइबोफ्लेविन बाय लाइट इज क्लासिफाइड एज, तो यह होता है फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए सिलेक्टिव 5HT4 एगोनिस्ट. सिलेक्टिव 5HT4 एगोनिस्ट, बस्पिरॉन, सुमाट्रिप्टन, सिसाप्राइड, क्लोजापाइन. तो इनमें से कौन सा होता है सिलेक्टिव 5HT4 एगोनिस्ट? तो यह होता है सिसाप्राइड. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सिसाप्राइड इज ए सिलेक्टिव 5HT4 एगोनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट इज स्टोर्ड इन ए क्लीन ड्राई व्हाइट बॉटल, लेड फ्री व्हाइट बॉटल, एम्बर्ड कलर बॉटल, न्यूट्रल ग्लास बॉटल. तो किसमें स्टोर करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को? तो इसके लिए यूज करते हैं एम्बर्ड कलर बॉटल का. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. सिल्वर नाइट्रेट इज स्टोर्ड इन ए एम्बर्ड कलर बॉटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एर्गोट कंपाउंड विच इज प्राइमरीली यूज फॉर डिमेंशिया, ब्रोमोक्रिप्टिन, अर्गोटामाइन, कोडेर्गोक्राइन, मिथिसर्जाइड. एर्गोट कंपाउंड विच इज प्राइमरीली यूज फॉर डिमेंशिया, तो किसका यूज करते हैं डिमेंशिया में? तो डिमेंशिया में यूज करते हैं कोडेर्गोक्राइन का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. कोडेर्गोक्राइन इज प्राइमरीली यूज फॉर डिमेंशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रुक्टोज इज ए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड. तो क्या होता है फ्रुक्टोज? तो फ्रुक्टोज होता है मोनोसैकेराइड. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑल ऑफ द अबव. तो क्या होता है डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय स्टेपिलोकोकस ऑरियस, ऑटोइम्यून क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, हेलिकोबैक्टर एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सरेशन, एक्यूट गैस्ट्राइटिस. फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय स्टेपिलोकोकस ऑरियस. तो स्टेपिलोकोकस ऑरियस कॉज कराता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय स्टेपिलोकोकस ऑरियस इज एक्यूट गैस्ट्राइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली इज एडिक्शन, सिनर्जिज्म, ऑक्सीडेशन और टॉलरेंस. तो क्या होता है पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली? तो इसे बोलते हैं सिनर्जिज्म. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सिनर्जिज्म होता है पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेल्दी एडल्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 125 ml/min, 180 ml/min, 40 ml/min और 80 ml/min. इन हेल्दी एडल्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो कितना होता है GFR इन हेल्दी एडल्ट? तो यह होता है 125 ml/min. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following systems is also known as Troy system? Metric system, apothecary system, imperial system or variola minor? System which is also known as Troy system. तो apothecary system is also known as Troy system. Option B हो जाएगा आपका correct answer. Apothecary system is also known as Troy system. Next question. The organ that is not a component of the urinary system is the ureter, adrenal gland, urinary bladder, urethra. Organ that is not component of urinary system. तो इनमें से कौन सा urinary system में नहीं आता? तो adrenal gland is not a component of urinary system. Option B will be your correct answer. Adrenal gland urinary system का part नहीं होता. Next question. Standards for mechanical contraceptives are given in which schedule? R, S, T or U? तो किस में आते हैं mechanical contraceptives? तो schedule R में आते हैं standards for mechanical contraceptives. Option A will be your correct answer. Standards for mechanical contraceptives आते हैं schedule R में. Next question. Nonhydrin test is used to detect amino acids, fats, fixed oils, volatile oils. तो किसके डिटेक्शन में यूज करते हैं नॉनहाइड्रिन टेस्ट का? तो नॉनहाइड्रिन टेस्ट होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. अमाइनो एसिड्स के डिटेक्शन में यूज करते हैं नॉनहाइड्रिन टेस्ट का. द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट अल्टर्स सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज प्रोप्रानोलोल, क्लोनिडिन, नाइट्रोप्रोसाइड, कैप्टोप्रिन. द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट अल्टर्स सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये होता है क्लोनिडिन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लोनिडिन अल्टर सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस कैन बी सप्रेस्ड बाय एड्रेनालिन, एंटीहिस्टामिनिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. द टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस कैन बी सप्रेस्ड बाय, तो ये हो जाएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सप्रेस करते हैं टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन? डोपामाइन, इपिनेफ्रिन, डिगॉक्सिन, आइसोप्रिनालिन. पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, तो इनमें से किसका होता है पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन? तो ये होता है डिगॉक्सिन का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए गुड सॉल्वेंट फॉर स्टेरॉइड हॉर्मोन्स एंड ऑयल सोल्यूबल मेडिकामेंट्स इज एसीटोन, इथाइल ओलिएट, क्लोरोफॉर्म और नन. गुड सॉल्वेंट फॉर स्टेरॉइड हॉर्मोन्स एंड ऑयल सोल्यूबल मेडिकामेंट्स, तो ये होता है इथाइल ओलिएट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. इथाइल ओलिएट होता है गुड सॉल्वेंट फॉर स्टेरॉइड हॉर्मोन्स एंड ऑयल सोल्यूबल मेडिकामेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द वजाइना आर विट्रेल, पेसरीज, पेस्ट और जेलीज. तो इनमें से क्या हो जाएगा सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द वजाइना? तो इसे बोलते हैं पेसरीज. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. वजाइनल सपोजिटरीज होती है पेसरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन इज टिटेनियम डाइऑक्साइड, पाबा, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, जिंक ऑक्साइड और मिथाइल सैलिसिलेट. इनमें से कौन सा है मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन? तो यह होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The subscription part of the prescription contains the number of doses to be dispensed, quantity of ingredients, direction for administration of the drug, list of ingredients. तो क्या आता है subscription में? तो subscription में आता है number of doses to be dispensed. Option A will be your correct answer. Number of doses आता है subscription में. Next question. Agglomeration of particles in emulsion is often called ग्रुपिंग, पॉलीमराइजेशन, कोलेसेंस, नन. क्या होता है एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन इमल्शंस? तो यह होता है कोलेसेंस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
GMP requirements of factory premises are given in which schedule? M, M1, M2 or N? तो किसमें आता है GMP requirements of factory premises? तो ये आता है शेड्यूल M में. ऑप्शन A हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. M होता है GMP requirements के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The male sex hormone testosterone is a derivative of estrogen, pregnant, androstenedione, none. The male sex hormone testosterone is a derivative of. तो इनमें से किसका derivative होता है testosterone? तो testosterone is a derivative of androstenedione. Option C will be your correct answer. Androstenedione का derivative होता है male sex hormone testosterone. Next question. Dash is used to determine granules density. Chilsonator, barometer, diosna mixer, picnometer. किसका यूज करते हैं टू डिटरमाइन ग्रैनुल्स डेंसिटी? तो ग्रैनुल्स डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं पिकनोमीटर का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. पिकनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैनुल्स डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग नोन टू प्रोड्यूस फोकोमेलिया इज टेट्रासाइक्लिन, थैलिडोमाइड, वारफेरिन, टर्बुटालिन. तो इनमें से कौन प्रोड्यूस कराता है फोकोमेलिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है ये. ड्रग नोन टू प्रोड्यूस फोकोमेलिया. तो फोकोमेलिया प्रोड्यूस कराता है थैलिडोमाइड. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. थैलिडोमाइड प्रोड्यूसेस फोकोमेलिया. फोकोमेलिया में सील लाइक लिम्स हो जाते हैं एंड ये टेराटोजेनिक इफेक्ट है फोकोमेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन इज कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग और GIT इरिटेशन. The principal adverse effect of ampicillin. तो क्या होता है principal adverse effect of ampicillin? तो ampicillin cause कराता है diarrhea. Option B हो जाएगा आपका correct answer. Diarrhea is the principal adverse effect of ampicillin. Next question. Dash are inert substances that are added along with medicaments to prepare granules, excipients, coating materials, sweetening agents or active ingredients. Inert substances that are added along with medicament to prepare granules. तो ये होते हैं excipients. Option A will be your correct answer. Excipients होते हैं inert substances that are added along with medicaments to prepare granules. Next question. Quality assurance test for parenteral solution. Pyrogen test, sterility test, particulate evaluation test, all. तो इनमें से कौन सा है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट फॉर पेरेंट्रल सॉल्यूशन? तो ये सभी टेस्ट होती है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट फॉर पेरेंट्रल सॉल्यूशंस. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव. पायरोजन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट एंड पर्टिकुलेट इवेल्युएशन टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पॉलीसैकेराइड इज ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और हेपेरिन. तो इनमें से कौन सा है पॉलीसैकेराइड? तो पॉलीसैकेराइड होता है हेपेरिन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ए पॉलीसैकेराइड इज हेपेरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्रिपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इम्प्योर प्रोडक्ट, कंप्रेस्ड प्रोडक्ट, कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट और स्टराइल प्रोडक्ट. तो क्या होता है प्रिपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो इसे बोलते हैं स्टराइल प्रोडक्ट. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. स्टराइल प्रोडक्ट होता है फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिलोकार्पिन इज यूज फॉर ग्लूकोमा, पैरालिटिक इलियस, यूरिनरी रिटेंशन, ऑल ऑफ द अबव. तो किसमें यूज करते हैं पिलोकार्पिन का? तो पिलोकार्पिन का यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. पिलोकार्पिन इज यूज फॉर ग्लूकोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following diuretics has an aldosterone antagonist property? Bumetanide, furosemide, hydrochlorothiazide or spironolactone? Diuretic which has an aldosterone antagonist property. तो aldosterone antagonist diuretic होता है spironolactone. So option D will be your correct answer. Spironolactone has an aldosterone antagonist property. Next question. What is the English meaning of Latin term cybos? To be taken, powder, food or poultice? तो क्या होता है Latin term cybos का English meaning?
तो साइबोस का इंग्लिश मीनिंग होता है फूड. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. साइबोस होता है फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इज सेपाजोलिन, सेपाक्लोर, सेपोबेराजोल, सेपोटिटैन. तो इनमें से कौन सा है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन? तो थर्ड जनरेशन में आता है सेपोबेराजोल. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेपोबेराजोल होता है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्शंस ऑफ पिलोकार्पिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट स्वेटिंग, सलाइवेशन, मियोसिस, साइक्लोप्लेजिया. एक्शंस ऑफ पिलोकार्पिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो इनमें से कौन सा पिलोकार्पिन का एक्शन नहीं है? तो पिलोकार्पिन कॉज कराता है स्वेटिंग, सलाइवेशन एंड मियोसिस. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. साइक्लोप्लेजिया पिलोकार्पिन के एक्शंस में नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन. वाटर, अल्कोहल, हीट और फॉर्मेलिन. डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन. तो ये होता है फॉर्मेलिन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटीडोट फॉर मिथेनॉल इज इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, डाइसल्फिरम, फ्लुमाजेनिल. तो कौन सा होता है एंटीडोट फॉर मिथेनॉल? तो मिथेनॉल का एंटीडोट होता है इथेनॉल. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनएडक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन ऑन टैबलेट्स बिफोर ड्राइंग कॉजेस स्टिकिंग, रफनेस, ऑरेंज पील इफेक्ट और क्रैकिंग. इनएडक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग. तो ये होता है ऑरेंज पील इफेक्ट. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. ऑरेंज पील इफेक्ट होता है इनएडक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन ऑन टैबलेट्स बिफोर ड्राइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेंस ड्राइड कैल्शियम सल्फेट, ड्राइड कैल्शियम फॉस्फेट, बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फेट. प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेंस. तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ड्राइड कैल्शियम सल्फेट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्राइड कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम वन स्क्रपल इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स, 480 ग्रेन्स और 60 ग्रेन्स. अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम वन स्क्रपल इज इक्वल टू. तो कितना होता है वन स्क्रपल? तो वन स्क्रपल होता है 20 ग्रेन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विल्सन्स डिसीज ऑकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मैग्नेशियम मेटाबॉलिज्म, कॉपर मेटाबॉलिज्म, जिंक मेटाबॉलिज्म और सिलेनियम मेटाबॉलिज्म. तो क्या होता है विल्सन डिसीज? तो विल्सन डिसीज ऑकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कॉपर मेटाबॉलिज्म. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कॉपर मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस से होता है विल्सन डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रैकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी. ट्रैकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय. तो इनमें से क्या होता है ट्रैकोमा का कॉजेटिव एजेंट? तो ट्रैकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस कॉज कराता है ट्रैकोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स डैश द एंगल ऑफ रिपोज डू नॉट चेंज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज देन डिक्रीज. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स डैश द एंगल ऑफ रिपोज. तो क्या इफेक्ट होता है एंगल ऑफ रिपोज पे एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स से? तो ये इंक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स इंक्रीज द एंगल ऑफ रिपोज. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एमेलियोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस विच ड्रग इज यूज्ड? फाइसोस्टिग्माइन, इंड्रोफोनियम, टैक्रिन, पाइरिडोस्टिग्माइन. इन एमेलियोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस विच ड्रग इज यूज्ड? तो इसके लिए यूज करते हैं इंड्रोफोनियम का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीएच ऑफ फॉस्फेट बफर इज बिटवीन 5.8 to 8, 8 to 10, 4.2 to 5.8, 2.2 to 4. तो कितना होता है पीएच ऑफ फॉस्फेट बफर? तो ये होता है बिटवीन 5.8 to 8. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर.
Next question. Which of the following systems is used in the Indian pharmacopoeia? Metric system, apothecary system, award poise system or none? System is used in the Indian pharmacopoeia. तो इंडियन फार्माकोपिया में यूज करते हैं मैट्रिक सिस्टम का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मैट्रिक सिस्टम इज यूज्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइपोहैलाइड टाइप एंटीसेप्टिक इज एस्ट्रिंजेंट, ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइपोहैलाइड टाइप एंटीसेप्टिक. तो हाइपोहैलाइड टाइप एंटीसेप्टिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हैलोजिनेशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, हैलोजिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिथॉक्सिलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोडेन. मिथाइल मॉर्फिन, कोडेन, ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन. मिथॉक्सिलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोडेन. तो ये हो जाएगा मॉर्फिन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मॉर्फिन की मिथॉक्सिलेशन से फॉर्म होता है कोडेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटीकोलिनर्जिक स्ट्रेस डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, इंड्रोफोनियम. इनमें से कौन सा एंटीकोलिनर्जिक स्ट्रेस डिराइव करते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. तो यह होता है फाइसोस्टिग्माइन. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैक्सिमम बफर एक्शन occurs when the concentration of acid is equal to base, acid is more than base, base is more than acid, acid gradually increases. मैक्सिमम बफर एक्शन occurs when the concentration of. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. मैक्सिमम बफर एक्शन occurs when the concentration of. तो ये होता है acid is equal to base. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मैक्सिमम बफर एक्शन occurs when the concentration of एसिड इज इक्वल टू बेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थायराइड कैंसर इज डायग्नोस्ड विथ सोडियम हाइपोरेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम आयोडाइड और सोडियम सल्फेट. थायराइड कैंसर इज डायग्नोस्ड विथ. तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ थायराइड कैंसर. तो थायराइड कैंसर के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सोडियम आयोडाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. H1 एंटीहिस्टामिनिक्स आर बेनिफिशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर्स, सर्टन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस ओनली, सर्टन टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शंस ओनली और ब्रोंकियल अस्थमा. तो किसमें बेनिफिशियल होते हैं H1 एंटीहिस्टामिनिक्स. तो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स आर बेनिफिशियल इन सर्टन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, सर्टन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज ए मेथड यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन. टाइट्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, एंगल ऑफ रिपोज. मेथड यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन. तो इसके लिए यूज करते हैं टाइट्रेशन का. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. टाइट्रेशन यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The lack of formation of bone marrow results in sickle cell anemia, aplastic anemia, macrocytic anemia or microcytic anemia. Lack of formation of bone marrow. तो ये होता है option B, aplastic anemia. Aplastic anemia is due to lack of formation of bone marrow. Next question. The identical groups that are present on same sides are known as optical isomer, trans isomer, cis isomer or dextro isomer. The identical groups that are present on same sides. तो same sides पे present होते हैं cis isomers. Option C will be your correct answer. Next question. The compounds which undergoes biotransformation before showing desired pharmacological activity is called. The compound which undergoes biotransformation before showing desired pharmacological activity. तो क्या बोलते हैं इन्हें? Prodrugs, implants, liposomes और nanoparticles. तो ये होते हैं प्रोड्रग्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रोड्रग्स अंडरगोज बायोट्रांसफॉर्मेशन बिफोर शोइंग डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट
releases proton, releases electron pair, accept electron pair और accepts proton. तो क्या होता है acid according to Bronsted-Lowry concept? तो अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry कंसेप्ट एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट रिलीजेस प्रोटॉन. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एसिड रिलीजेस प्रोटॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विथ पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, नन ऑफ दीज. एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग तो किसका यूज करते हैं इन एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग? तो एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद फाइसोस्टिग्माइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सल्फोनामाइड ड्रग बेस्ट सुटेड फॉर टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स. सल्फासैलाजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फासेटामाइड और सल्फामिथोक्साजोन. तो कौन सा सल्फोनामाइड ड्रग यूज करते हैं फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स? तो बर्न्स में यूज करते हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सिल्वर सल्फाडाइजिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोल्चिकम इज यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, गाउट और आर्थराइटिस. कोल्चिकम इज यूज्ड टू ट्रीट तो किसमें यूज करते हैं कोल्चिकम का? तो कोल्चिकम का यूज करते हैं गाउट में. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. गाउट में यूज करते हैं कोल्चिकम का. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिनोप्थेलिन हैज ए पीएच रेंज ऑफ 4.6 टू 7.1, 1.1 टू 7.8, 2.4 टू 4.5, 8.3 टू 10. तो कितना होता है पीएच रेंज ऑफ फिनोप्थेलिन? तो ये होता है ऑप्शन डी, 8.3 टू 10. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रोपिन लाइक ड्रग? कार्वेडिलॉल, इप्राट्रोपियम, रेट्रोवीर, डेमिकेरियम. एट्रोपिन लाइक ड्रग तो एट्रोपिन लाइक ड्रग होता है इप्राट्रोपियम. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. इप्राट्रोपियम इज एन एट्रोपिन लाइक ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन. इथाइल ट्राइमिथाइल मिथेन इज कॉल्ड एन हेक्सेन, एन ब्यूटेन, नियोहेक्सेन, आइसोपेंटेन. तो क्या होता है इथाइल ट्राइमिथाइल मिथेन? तो इसे बोलते हैं नियोहेक्सेन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इथाइल ट्राइमिथाइल मिथेन इज कॉल्ड नियोहेक्सेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनेथॉल इज ए फिनॉल, फिनोलिक ईस्टर, सिनेमाल्डिहाइड, मोनोटर्पिन अल्कोहल. तो क्या होता है एनेथॉल? तो एनेथॉल होता है फिनोलिक एस्टर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. फिनोलिक एस्टर होता है एनेथॉल. In relation to any other drug or cosmetic, an inspector is appointed by the central or state government under section dash of the Drugs and Cosmetics Act. तो simply यहाँ पे ये पूछा गया है कि under which section drug inspector is appointed? तो drug inspector is appointed under section 21. Option C will be your correct answer. Drug inspector is appointed by the central or state government under section 21 of the Drugs and Cosmetics Act. Next question. Choose the meal is used for powdering very hard drugs. Fluid energy meal, disintegrator, edge runner meal or colloid meal. तो कौन सी meal का use करते हैं for powdering very hard drugs? तो इसके लिए use करते हैं disintegrator का. Option B हो जाएगा आपका correct answer. Disintegrator is used for powdering very hard drugs. Next question. The smallest size of capsule is represented by the number 0, 00, 5 or 000. तो कौन सा होता है smallest size of capsule? तो ये होता है number 5. Option C will be your correct answer. 5 number represent करता है smallest size of capsule. And 000 होता है largest size of capsule. Next question. Dash is a polypeptide containing 9 amino acids. Methyl ergometrin, ergometrin, ergot, oxytocin. तो कौन सा polypeptide होता है जिसमें 9 amino acids present होते हैं? Polypeptide containing 9 amino acids. तो ये होता है oxytocin. Option D will be your correct answer. Next question. Dextrose injection is sterilized by hot air oven, autoclave, tinderization or pasteurization. तो किससे स्टराइल किया जाता है डेक्सट्रोज इंजेक्शन को? तो इसके लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेव का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव.
Next question. Separation of tablet into two or more distinct layers is. तो क्या होता है separation of tablet into two or more distinct layers? तो ये होता है लेमिनेशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स. ये होता है लेमिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन द बैंक विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज इज. कोऑपरेटिव बैंक्स, सेविंग बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बैंक्स. बैंक विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज. तो ये होती है कोऑपरेटिव बैंक्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए लिक्विड फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल बाय पासिंग थ्रू ए मीडियम इज नोन एज. डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, एड्सॉर्प्शन. क्या होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए लिक्विड फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल बाय पासिंग थ्रू ए मीडियम. तो यह होता है फिल्ट्रेशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. फिल्ट्रेशन होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए लिक्विड फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स बाय पासिंग थ्रू मीडियम एंड द सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर डिपॉजिटेड इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर मीडियम. सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर डिपॉजिटेड इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्टर मीडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर. सेक्शन 33H, सेक्शन 33G, सेक्शन 33E और सेक्शन 33F. तो कौन से सेक्शन के अंडर अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स. तो ये अपॉइंट होते हैं अंडर सेक्शन 33F. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33F. नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय. 0.693 बाय के, 0.2303 बाय के, 0.469 बाय के, 0.769 बाय के. बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय. तो ये होता है 0.693 बाय के. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय 0.693 बाय के. यहां पे के होता है एलिमिनेशन कांस्टेंट. के इज एलिमिनेशन कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ. वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ. तो किससे बनता है लैक्टोज? तो लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज. सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट इटसेल्फ इज नोन एज. एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ससेप्टिबिलिटी, इन्फेक्शन. तो क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट इटसेल्फ? तो इसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. एक्टिव इम्यूनिटी होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट. इंटरनल रूट, टॉपिकल एप्लीकेशन, सबलिंगुअल रूट और पैरेंटल रूट. तो क्या होता है नाइट्रोग्लिसरीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसे एडमिनिस्टर करते हैं बाय सबलिंगुअल रूट. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर यूज फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ रिनाइटिस एंड साइनसाइटिस इज. इफेड्रिन, एड्रिनालिन, नेफाजोलिन, ऑल ऑफ द अबव. तो इनमें से कौन सा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर यूज करते हैं फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ रिनाइटिस एंड साइनसाइटिस? तो इसके लिए यूज करते हैं नेफाजोलिन का. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट क्वालिफिकेशन इज इसेंशियल टू बिकम ड्रग इंस्पेक्टर? केमिकल इंजीनियर, डिग्री इन फार्मेसी, गवर्नमेंट टेक्नीशियन, आर्ट्स एंड साइंस. व्हाट क्वालिफिकेशन इज इसेंशियल टू बिकम ड्रग इंस्पेक्टर? तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है टू बिकम ड्रग इंस्पेक्टर? तो इसके लिए चाहिए डिग्री इन फार्मेसी. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पेनिसिलिन वी इज. फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, फिनोक्सीइथाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन. तो क्या होता है पेनिसिलिन वी? तो पेनिसिलिन वी होता है फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन वी. नेक्स्ट क्वेश्चन
19A form is for wholesale or retail sale of drugs specified in Schedule X, wholesale or retail sale of drugs other than those specified in Schedule X, renewal of restricted license, sale of drugs from a motor vehicle. तो किसके लिए होता है फॉर्म 19A? तो फॉर्म 19A इज फॉर रिन्यूअल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. रिन्यूअल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए होता है फॉर्म नंबर 19A. नेक्स्ट क्वेश्चन. डी पेनिसिलामाइन इज अ चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन कॉपर एंड लेड पॉइजनिंग, विल्सन्स डिसीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑल ऑफ द अबव. तो किसमें यूज करते हैं डी पेनिसिलामाइन का? तो इसे यूज करते हैं इन कॉपर एंड लेड पॉइजनिंग, इन विल्सन्स डिसीज एंड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस आल्सो. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 200 बेड हॉस्पिटल? 8, 6, 5 और 2. तो कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर 200 बेड हॉस्पिटल? तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 3 फार्मासिस्ट, देन 100 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 8 फार्मासिस्ट, देन 300 बेड्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 10 फार्मासिस्ट एंड 500 बेड्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 15 फार्मासिस्ट. सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 8 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर 200 बेड हॉस्पिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेंजालकोनियम क्लोराइड इज ए सरफेस एक्टिव एजेंट, कोएगुलेटिंग एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और सेडेटिव. तो क्या होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड? तो ये होता है सरफेस एक्टिव एजेंट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बेंजालकोनियम क्लोराइड होता है सरफेस एक्टिव एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मेलर्स साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, मेडलाइन, मेडलास, सेडबेस और AHFS. तो इनमें से क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मेलर्स साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स? तो ये होता है सेडबेस. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ड्रग क्लेमिंग टू क्यूर ए डिसीज मेंशन्ड इन शेड्यूल जे इज परमिटेड, प्रोहिबिटेड, सम आर प्रोहिबिटेड एंड अदर्स परमिटेड, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड. एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ड्रग क्लेमिंग टू क्यूर ए डिसीज मेंशन्ड इन शेड्यूल जे. तो ये हो जाएगा प्रोहिबिटेड. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ड्रग क्लेमिंग टू क्यूर ए डिसीज मेंशन इन शेड्यूल जे होता है प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस द अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ गुड्स इज एक्सप्रेस्ड एज ABV ग्राम्स पर मिलीलीटर्स, लंडन प्रूफ लीटर्स, परसेंट बाय वॉल्यूम. इन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस द अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ गुड्स इज एक्सप्रेस्ड एज. तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस में अल्कोहलिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं एज लंडन प्रूफ लीटर्स. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, लंडन प्रूफ लीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिसीजेस दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्यूर इज गिवन इन शेड्यूल G, J, C और H. तो किसमें आता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिसीजेस दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्यूर? तो ये आता है शेड्यूल जे में. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. शेड्यूल जे में आते हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिसीजेस दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्यूर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 17A, सेक्शन 15A और सेक्शन 17. तो किसमें आता है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट? तो ये आता है अंडर सेक्शन 15A. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 15A. द इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी मैने इज. तो क्या होता है लैटिन टर्म ओमनी मैने का इंग्लिश मीनिंग? तो ओमनी मैने होता है एवरी मॉर्निंग. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एवरी मॉर्निंग इज ओमनी मैने. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंपेरियर सिस्टम फॉर 1 tablespoonful इज 2 fluid drachm, 1 fluid ounce, 4 fluid drachm, 1 fluid drachm. द इंपेरियर सिस्टम फॉर 1 tablespoonful. तो कितना होता है 1 tablespoonful? तो ये होता है 4 fluid drachm. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. 4 fluid drachm होता है 1 tablespoonful. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वॉटर.
डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। तो क्या होता है रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो यह होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक इंप्यूरिटीज इज प्रेजेंट इन रॉ जिलेटिन? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। मेटालिक इंप्यूरिटीज इन रॉ जिलेटिन, तो इनमें से कौन सी मेटालिक इंप्यूरिटी प्रेजेंट होती है इन रॉ जिलेटिन? तो ये होती है आयरन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आयरन इंप्यूरिटीज इज प्रेजेंट इन रॉ जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैनुल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल द फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट मॉइस्ट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, इम्प्लांटेशन, ग्रैनुल्स बाय प्रिलिमिनरी कंप्रेशन। ग्रैनुल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल द फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन से मेथड से ग्रैनुल्स को प्रिपेयर नहीं किया जाता? तो ये हो जाएगा इम्प्लांटेशन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ग्रैनुल्स कैनॉट बी प्रिपेयर बाय इम्प्लांटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रिवेशन UNG इन द प्रिस्क्रिप्शन? एन इनहेलेशन, एन ऑइंटमेंट, टू बी रब्ड इन, टू बी यूज्ड। प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकल एब्रिविएशन UNG का मीनिंग क्या होता है? तो UNG होता है अनगुएंटम एन ऑइंटमेंट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। UNG होता है अनगुएंटम एंड अनगुएंटम इज द लैटिन टर्म फॉर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का लैटिन टर्म होता है अनगुएंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय द डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एंगल ऑफ रिपोज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय द, तो इनमें से किससे मेजर करते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ लूज पाउडर? तो इसके लिए यूज करते हैं एंगल ऑफ रिपोज का, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय द एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू दी कोएगुलेशन, रिडक्शन, हैलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन। तो इनमें से क्या होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल? तो हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टेरियल प्रोटीन्स। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कोएगुलेशन। इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टेरिया आर किल्ड ड्यू टू कोएगुलेशन ऑफ बैक्टेरियल प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नेविगेटिंग 10% पाउडर एल्यूमिनियम इनटू पेट्रोलियम, व्हाइट पेट्रोलियम, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। एल्यूमिनियम पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नेविगेटिंग 10% पाउडर एल्यूमिनियम इनटू, तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नेविगेटिंग 10% पाउडर एल्यूमिनियम इनटू जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, मिल्क, नेजल ड्रॉप्स। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, तो इनमें से किसके स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड? तो इसे यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ आई ड्रॉप्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई ड्रॉप्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइन पाउडर इज ऑब्टेंड बाय पासिंग थ्रू दिस सीव नंबर 22, 44, 85 और 120। फाइन पाउडर, तो फाइन पाउडर के लिए होता है सीव नंबर 85, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन पाउडर के लिए होता है 85, कोर्स पाउडर के लिए होता है 10, मॉडरेटली कोर्स के लिए होता है 22, मॉडरेटली फाइन के लिए होता है 44, देन फाइन के लिए होता है 85 एंड 120 होता है वेरी फाइन पाउडर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टराइल प्रोडक्ट? लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, इंडोटॉक्सिन टेस्ट, पायरोजन टेस्ट।
तो इनमें से कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं होता फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स? तो ये होता है इंडोटॉक्सिन टेस्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, ये सभी होते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टराइल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रिपरेशन, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पाउडर्स, ऑइंटमेंट। तो किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं स्लगिंग प्रोसेस का? तो स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन डिराइव फ्रॉम एन अल्कली ट्रीटेड प्रीकर्सर इज, पीएच 7.2, पीएच 6.5, पीएच 9 और पीएच 4.7। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन डिराइव फ्रॉम एन अल्कली ट्रीटेड प्रीकर्सर, तो यह होता है पीएच 4.7, ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर। टाइप बी जिलेटिन के लिए होता है 4.7 एंड टाइप ए जिलेटिन के लिए होता है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, स्टेशनरी और नन। तो क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे अगर थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक इंक्रीजेस? तो एज द थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज्ड, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश, कोलिरियम, कोलुनेरियम, ऑरिस्टिले, कोलुटोरियम। तो क्या होता है माउथ वॉश का लैटिन टर्म? तो माउथ वॉश का लैटिन टर्म होता है कोलुटोरियम, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। माउथ वॉश इज कोलुटोरियम। कोलिरियम होता है आई वॉश, कोलुनेरियम होता है नोज वॉश एंड ऑरिस्टिले होता है ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट फॉर मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट फॉर, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है मिसिबल लिक्विड्स के लिए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट फॉर मिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकेरिन इज डैश टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, 1000, 50, 500 और 150। हाउ मेनी टाइम्स सैकेरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज? तो सैकेरिन इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सैकेरिन इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, मैग्नेशियम स्टीरेट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, मिनरल एसिड, स्टीरिक एसिड। वॉटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, तो कौन सा होता है वॉटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट? तो इसमें आता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पीईजी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल होता है वॉटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ लिविंग बैक्टीरिया इज, कॉलरा, प्लेग, बीसीजी, टाइफॉइड। द वैक्सीन दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ लिविंग बैक्टीरिया, तो ये होता है बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन होता है बीसीजी वैक्सीन, ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडेंटिकल ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड्स आर नोन एज, ऑप्टिकल आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो आइसोमर, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। द आइडेंटिकल ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड्स, तो ये होते हैं ट्रांस आइसोमर्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रांस आइसोमर्स में आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑन ऑपोजिट साइड्स एंड सिस आइसोमर्स में आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑन सेम साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर, इवेपोरेशन, बोथ ए एंड बी, नन। बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय, तो किसका यूज करते हैं फॉर ड्राइंग बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स? तो इनके ड्राइंग के लिए यूज करते हैं फ्रीज ड्रायर का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट्स विच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज ड्रग एट अ डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट आर, मल्टी कंप्रेस्ड टैबलेट्स, मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स, इंटरिक कोटेड टैबलेट्स, सस्टेंड एक्शन टैबलेट्स।
तो कौन सी टैबलेट्स होती है विच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज ड्रग एट डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट। तो ये डेफिनेशन होता है सस्टेंड एक्शन टैबलेट्स का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सस्टेंड एक्शन टैबलेट्स होती है टैबलेट्स विच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज ड्रग एट डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल, डायलॉक्सैडिन, इमेटिन, क्लियोक्विनोल, मेट्रोनिडाजोल। डैश इज अ डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल, तो इनमें से कौन सा है इमिडाजोल डेरिवेटिव? तो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मेट्रोनिडाजोल इज अ डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट, प्रोमिथाजिन, क्लोरफिनिरामाइन, फिनिरामाइन, डायमेनहाइड्रिनेट। इनमें से कौन सा ड्रग प्रोड्यूस कराता है माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट? तो माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है क्लोरफिनिरामाइन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरफिनिरामाइन प्रोड्यूसेस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन वी और एमोक्सिसिलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, तो इनमें से कौन सा सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन नहीं है, नॉट ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन? तो पेनिसिलिन जी इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिल इज यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर, बॉल मिल, कटर मिल, एज रनर मिल, ट्रिपल रोलर मिल। मिल विच इज यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर, कौन सा मिल यूज करते हैं टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर? तो इसके लिए यूज करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस एसिड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर टू क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस एसिड, तो बेरियम क्लोराइड इज नॉट ए लेविस एसिड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रायर यूज फॉर ड्राइंग ऑफ द ग्रैनुल्स मेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स इज, टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर। ड्रायर यूज फॉर ड्राइंग ऑफ द ग्रैनुल्स मेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स, तो कौन सा ड्रायर यूज करते हैं फॉर ड्राइंग ऑफ द ग्रैनुल्स मेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स? तो इसके लिए यूज करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज इसेंशियल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, केमिकल स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज इसेंशियल फॉर, तो किसके लिए इसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ पीएच? तो ये इसेंशियल होता है फॉर केमिकल स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट, इथिलीन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। गैस यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट, तो कौन से गैस का यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट? तो इसके लिए यूज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड का, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इथिलीन ऑक्साइड गैस यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन। तो इनमें से कौन सा है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन? तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आता है एम्पिसिलिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एम्पिसिलिन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट, बॉल मिल, एज रनर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल। तो इनमें से कौन से मिल में मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता? तो ये होती है फ्लूइड एनर्जी मिल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट इज फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन ए मशीन डिपेंड्स ऑन, केमिकल नेचर, बल्क डेंसिटी, फिजिकल कैरेक्टर, मटेरियल स्ट्रक्चर। द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन ए मशीन डिपेंड्स ऑन,
तो ये डिपेंड होता है बल्क डेंसिटी पे. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. बल्क डेंसिटी, द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन ए मशीन डिपेंड्स ऑन बल्क डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेलेशन एनास्थेटिक. हेलोथेन, मिथो एक्जिटोन सोडियम, इथर, नाइट्रस ऑक्साइड. नॉट एन इनहेलेशन एनास्थेटिक, इनमें से कौन सा इनहेलेशन एनास्थेटिक नहीं है. नॉट एन इनहेलेशन एनास्थेटिक, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है. हेलोथेन, इथर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी आते हैं इनहेलेशन एनास्थेटिक्स में. मिथो एक्जिटोन सोडियम इज नॉट एन इनहेलेशन एनास्थेटिक. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. मिथो एक्जिटोन सोडियम इनहेलेशन एनास्थेटिक नहीं है, ये आईवी जनरल एनास्थेटिक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉनिकल रोटर एंड स्टेटर इज प्रेजेंट इन विच मिल. कोलॉइड मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल. तो कौन से मिल में प्रेजेंट होता है कॉनिकल रोटर एंड स्टेटर, तो ये प्रेजेंट होता है कोलॉइड मिल में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म ऑफ. रिडक्शन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, हेलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन. तो क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ऑक्सीडेशन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, पाउडर मिक्सिंग, क्रूड फाइबर मिक्सिंग. सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन, तो सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स का यूज करते हैं फॉर पाउडर मिक्सिंग. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. पाउडर मिक्सिंग में यूज करते हैं सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ब्लॉक्स द रिस्पॉन्स ऑफ द एस्केरिस मसल टू एसिटाइल कोलिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन द वॉर्म. मेबेंडाजोल, पिपराजिन, पैरेंटल पेमोएट, थायबेंडाजोल. तो इनमें से कौन ब्लॉक कराता है रिस्पॉन्स ऑफ एस्केरिस मसल टू एसिटाइल कोलिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन द वॉर्म. तो ये होता है पिपराजिन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पिपराजिन ब्लॉक्स द रिस्पॉन्स ऑफ द एस्केरिस मसल टू एसिटाइल कोलिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन द वॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोटिक सॉल्वेंट हैव एसिडिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, नो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज. तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट हैव नो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल डाइमिथाइल मीथेन इज आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, नियोहेक्सेन, एन ब्यूटेन. तो क्या होता है इथाइल डाइमिथाइल मीथेन, तो ये होता है आइसोपेंटेन. इथाइल डाइमिथाइल मीथेन होता है आइसोपेंटेन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन नटमेग, कैओलिन, लिंसिड, कोकेन. तो इनमें से किसमें प्रेजेंट होते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, तो ये प्रेजेंट होते हैं लिंसिड में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. लिंसिड में प्रेजेंट होते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स. लिनामेरिन प्रेजेंट होता है लिंसिड में विच इज साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इज सोल्यूबल इन वाटर. क्वेरसेटिन, हेस्पेरेटिन, अर्गोमेट्रिन, नैरिंजेनिन. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो ये होता है अर्गोमेट्रिन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. अर्गोमेट्रिन इज सोल्यूबल इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड एज ए डिमल्सेंट. अकेशिया, पेपरमिंट ऑयल, गॉर्गम, लेमन ग्रास ऑयल. तो इनमें से क्या है डिमल्सेंट, तो अकेशिया इज यूज्ड फॉर ए डिमल्सेंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. डिमल्सेंट इज अकेशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स विच आर डिराइव फ्रॉम द प्लांट अम्बेलीफेरी आर ऑल ऑफ द टाइप क्रेमोकार्प, पेरिकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प. फ्रूट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट अम्बेलीफेरी आर ऑल ऑफ द टाइप, तो ये होते हैं क्रेमोकार्प. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. फ्रूट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट अम्बेलीफेरी आर क्रेमोकार्प टाइप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंथोल इज मोनोटर्पेनॉइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्कोहल, ग्लाइकोसाइड.
तो क्या होता है मेंथॉल? तो मेंथॉल इज मोनोटर्पेनॉइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, मेंथॉल इज मोनोटर्पेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन ऑफ स्टेरॉइड्स फ्रॉम सैपोनिन इज डन बाय नॉन पार्शियल सिंथेसिस, पार्शियल सिंथेसिस, वोलहार्ड्स मेथड, मार्कर्स मेथड। तो इनमें से कौन सी मेथड का यूज करते हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ स्टेरॉइड्स फ्रॉम सैपोनिन? तो इसके लिए यूज करते हैं मार्कर्स मेथड का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइसोलेशन ऑफ स्टेरॉइड्स फ्रॉम सैपोनिन इज डन बाय मार्कर्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोपेरिडॉल इज ए मेजर ट्रांक्विलाइजर, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ कार्बामेट्स, हेडेंटोइन, ब्यूटेरोफेनॉन, फिनोथायजिन। तो किसमें आता है हेलोपेरिडॉल? तो हेलोपेरिडॉल आता है ब्यूटेरोफेनॉन में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेलोपेरिडॉल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ब्यूटेरोफेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेथमसोवा इज द एडल्टरेंट ऑफ क्लो, कैरावे, कटेचू, चाइनीज सिनेमन। एनेथमसोवा तो किसका एडल्टरेंट होता है? एनेथमसोवा तो ये होता है कैरावे का एडल्टरेंट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एनेथमसोवा इज द एडल्टरेंट ऑफ कैरावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रोपेन एल्केलॉइड इज हल्फेंस टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट, वैन अर्क्स टेस्ट, विटालिस टेस्ट। तो ट्रोपेन एल्केलॉइड्स के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं विटाली मोरिन टेस्ट का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। विटालिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स? ट्रिपल रोलर मिल, प्लेनेटरी मिल, डबल कोन मिक्सर, टर्बो मिक्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो ऑइंटमेंट्स की मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलेटिन इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय हाइड्रेशन ऑफ कोलेजिनस मटेरियल, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीमर, डिहाइड्रेशन ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स। तो किससे ऑब्टेन करते हैं जिलेटिन को? तो जिलेटिन इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर्स रिएजेंट कंटेंस पोटेशियम आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड, पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। तो क्या होता है वैगनर्स रिएजेंट? तो वैगनर्स रिएजेंट होता है आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है वैगनर्स रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बीजवैक्स इज पाल्मिटिन, स्टीरिन, माइरिसिन, नन। तो इनमें से कौन सा चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बीजवैक्स में? तो ये होता है माइरिसिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बीजवैक्स इज माइरिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग ऑयल इज लिंसिड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोआ बटर। तो इनमें से कौन सा है ड्राइंग ऑयल? तो इनमें से ड्राइंग ऑयल हो जाएगा लिंसिड ऑयल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्राइंग ऑयल इज लिंसिड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गॉट इज यूज्ड एज ऑक्सीटोसिक, कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट, एंटीटसिव। तो एर्गॉट होता है ऑक्सीटोसिक, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज एडल्टरेंट बाय हल्फेंस टेस्ट, कार्प्राइस रिएक्शन, वैन अर्क्स टेस्ट, विटालिस टेस्ट। तो इनमें से कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज एडल्टरेंट? तो इसके लिए यूज करते हैं हल्फेंस टेस्ट का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन द लीवर, किडनी, ब्रेन और लंग्स। तो सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन लीवर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लीवर में होता है यूरिया का सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया इज 0.6 टू 1.5 mg पर डीएल, 9 टू 11 mg पर डीएल, 20 टू 65 mg पर डीएल और 60 टू 100 mg पर डीएल। तो सीरम यूरिया का नॉर्मल रेंज होता है 20 टू 65 mg पर डीएल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ
parasympathetic stimulation of the eye, contraction of radiating muscle fibers of iris, dilating the pupil, contraction of circular muscle fiber of iris, opening the eye wide. Effect of parasympathetic stimulation of the eye. तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द आई कॉज कराता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ आयरिस. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ आयरिस इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द आई. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज टू स्टडी आयरन मेटाबोलिज्म इज साइनोकोबालामाइन, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज टू स्टडी आयरन मेटाबॉलिज्म. तो आयरन मेटाबॉलिज्म के स्टडी के लिए यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी आयरन मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोनिक पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ द डैश ऑफ द इंटेस्टाइन. इपिथेलियल सेल्स, स्क्वैमस सेल्स, फाइब्रस सेल्स, एडिपोज टिश्यू. क्रोनिक पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ द डैश ऑफ द इंटेस्टाइन. तो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ इपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. डैमेज ऑफ द इपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन कॉज कराता है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रस मैग्नेशियम सिलिकेट समटाइम्स कंटेनिंग ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट used as dusting powder and pharmaceutical aid is starch, magnesium stearate, lactose or talc. Hydrous magnesium silicate sometimes containing a small proportion of aluminium silicate used as dusting powder and pharmaceutical aid. तो क्या होता है ये? तो ये होता है talc. Option D will be your correct answer. Talc होता है hydrous magnesium silicate containing a small proportion of aluminium silicate. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज्ड इन मेलेनोसाइट्स, पिट्यूटरी, एड्रिनल मेडुला, पिनियल बॉडी. मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज्ड इन. तो किसमें सिंथेसाइज होता है मेलेटोनिन? तो ये सिंथेसाइज होता है इन पिनियल बॉडी. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज्ड इन पिनियल बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स आर फॉस्फोलिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड, सिंपल लिपिड्स. तो क्या होते हैं इस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स? तो ये होते हैं सिंपल लिपिड्स. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. पाउडर मिक्सचर इज वाइकोन ब्लेंडर, क्यूबिकल ब्लेंडर, डबल ब्लेंडर, ऑल ऑफ द अबव. तो पाउडर मिक्सचर इज वाइकोन ब्लेंडर, क्यूबिकल ब्लेंडर एंड डबल ब्लेंडर ऑल्सो. ऑल ऑफ दिस. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडी? ए बी, ए बी और ओ. विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडी? तो ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीबॉडी. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ब्लड ग्रुप ए बी हैज बोथ ए एंड बी एंटीजेंस बट नो एंटीबॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोहेप्टोज, माल्टोज. एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. तो यह होता है माल्टोज. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. माल्टोज इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैक्टेरिसाइड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स क्लोरोक्रेसोल, बेंजालकोनियम क्लोराइड, थाइमोल और बोरिक एसिड. द बैक्टेरिसाइड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स. तो कौन सा बैक्टेरिसाइड यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स? तो यह होता है क्लोरोक्रेसोल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लोरोक्रेसोल होता है बैक्टेरिसाइड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनवॉइस बुक इज परचेस जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेस रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल. तो क्या होता है इनवॉइस बुक? तो इनवॉइस बुक इज परचेस जर्नल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इनवॉइस बुक होता है परचेस जर्नल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ टायरोसिन
to DOPA is the enzyme involved in the conversion of tyrosine to DOPA. Hydroxymethyl transferase, dopamine beta hydroxylase, decarboxylase, tyrosine hydroxylase. एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्शन ऑफ टायरोसिन टू डोपा. तो ये होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इन्वॉल्व होता है इन द कन्वर्शन ऑफ टायरोसिन टू डोपा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्टर यूज फॉर फिल्टरिंग ऑफ करोसिव लिक्विड्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? मेटा फिल्टर, फिल्टर प्रेस, सीड्स फिल्टर, फिल्टर कैंडल. फिल्टर यूज फॉर फिल्टरिंग ऑफ करोसिव लिक्विड्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो इसके लिए यूज करते हैं सीड्स फिल्टर का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. सीड्स फिल्टर इज यूज फॉर फिल्टरिंग ऑफ करोसिव लिक्विड्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम हेक्सोकाइनेस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलाइसेस, ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, लिगेसेस. एन एंजाइम हेक्सोकाइनेस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ. तो हेक्सोकाइनेस आता है ट्रांसफरेसेस में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रोथेराज टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट ग्लूकोज, एल्बमिन, एसीटोन और ब्लड. तो किसके डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं रोथेराज टेस्ट का? तो इसे यूज करते हैं टू डिटेक्ट एसीटोन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. रोथेराज टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट एसीटोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, the oral cavity is bound posteriorly by the lips, oropharynx, tongue, cheeks. The oral cavity is bound posteriorly by. तो किससे bound होती है oral cavity posteriorly? तो oral cavity is bound posteriorly by the oropharynx. Option B will be your correct answer. Next question, the third booster dose of tetanus toxoid best given after dash age 18 months, 5 years, 10 years, 15 years. The third booster dose of tetanus toxoid best given after dash age. तो इसे देते हैं after 10 years of age. Option C will be your correct answer. The third booster dose of tetanus toxoid best given after 10 years of age. ठीक है? The tablet that is used in oral cavity is film coated tablet, sugar coated tablet, effervescent tablet or dental cone. टैबलेट दैट इज यूज इन ओरल कैविटी. तो इनमें से कौन सा टैबलेट यूज करते हैं इन ओरल कैविटी? तो ये होता है डेंटल कोन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. द टैबलेट दैट इज यूज इन ओरल कैविटी इज डेंटल कोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टेरिया इज नोन एज फंगिसाइड, जर्मिसाइड, वायरसाइड, बैक्टेरिसाइड. A substance which can kill pathogenic bacteria. तो ये होते हैं bactericides. Option D will be your correct answer. Bactericide is a substance which can kill pathogenic bacteria. Next question. Pink red eye is night blindness, color blindness, trachoma, conjunctivitis. तो pink red eye is conjunctivitis. Option D हो जाएगा आपका correct answer. Pink red eye is conjunctivitis. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ड्रग्स कैनॉट बी फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स बेसिक, हाइग्रोस्कोपिक, एसिडिक, रेडॉक्स. ड्रग्स कैनॉट बी फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स. तो इनमें से कौन से ड्रग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं किए जा सकते? तो ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैनॉट बी फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a glidant used in capsule formulation? Silica gel, glycol esters, silicon dioxide, silicon. Not a glidant used in capsule formulation. So, silica gel is not a glidant used in capsule formulation. Option A will be your correct answer. Silica gel ko as a glidant use nahi karte capsule formulation mein. Next question. Moist heat sterilization by autoclaving is immersion in boiling water, steam at atmospheric pressure, steam under pressure, steaming. तो क्या होता है moist heat sterilization by autoclaving? तो ये होता है steam under pressure. Option C हो जाएगा आपका correct answer. Moist heat sterilization by autoclaving होता है steam under pressure.
Next question. The suspensions of fine solid or liquid particles in a gas are called as aerosols, emulsions, colloid, elixirs. तो इनमें से किसका डेफिनेशन है ये suspensions of fine solid और liquid particles in a gas? तो ये होते हैं aerosols. Option A will be your correct answer. Aerosols होते हैं suspensions of fine solid और liquid particles in a gas. ठीक है? Aerosols आते हैं inhalation doses form में. Then which propellant used in topical aerosols? तो topical aerosol में यूज करते हैं propane का as a propellant. And the deep tube in an aerosol container is made up of PEG, polyethylene glycol. Next question. The non-aqueous vehicle used in injection is glycerol, ethanol, isopropanol, vegetable oils. Non-aqueous vehicle used in injection. तो यह होता है vegetable oils. Option D will be your correct answer. Non-aqueous vehicle used in injection is vegetable oils. Next question. In medical prescriptions, HS stands for once a day, twice a day, at bedtime, thrice a day. तो क्या होता है HS? तो HS होता है horasomni. Horasomni means at bedtime. Option C will be your correct answer. HS होता है horasomni means at bedtime. Once a day होता है OD, once in die. Twice a day होता है BID, bis in die होता है twice a day. Thrice a day होता है TID, ter in die होता है thrice a day. Next question. The surface upon which solids are retained or deposited in the process of filtration is called as filter head, filter medium, evaporator, disintegrator. The surface upon which solids are retained or deposited in the process of filtration. तो यह होता है फिल्टर मीडियम. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. फिल्टर मीडियम होता है सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर रिटेंड और डिपॉजिटेड इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स आर एक्सट्रैक्ट्स, टिंक्चर्स, इन्फ्यूजन्स, डिकॉक्शंस. हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स. तो ये होते हैं टिंक्चर्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. टिंक्चर्स होते हैं हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी? कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डिकम्पोजिशन, ओवरडोज, सिनर्जिज्म. नॉट द रीजन फॉर थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी. तो डीकंपोजिशन इज नॉट द रीजन फॉर थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वेजिटेबल ड्रग विद बॉइलिंग वाटर यील्ड्स टिंक्चर्स, एक्सट्रैक्ट्स, इन्फ्यूजन्स, डिकॉक्शंस. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वेजिटेबल ड्रग विद बॉइलिंग वाटर. तो यह होता है इन्फ्यूजन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इन्फ्यूजन होता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वेजिटेबल ड्रग विद बॉइलिंग वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कैप्सूल साइज 2 इज 0.4 ml, 0.75 ml, 0.37 ml और 0.55 ml. द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कैप्सूल साइज 2. तो कैप्सूल साइज 2 का फिलिंग कैपेसिटी होता है 0.37 ml. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड अंटिल इट मेल्ट्स इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन, फ्यूजन, डेसिकेशन, एक्सिकेशन. तो क्या होता है प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड अंटिल इट मेल्ट्स? तो यह होता है फ्यूजन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड अंटिल इट मेल्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. In general, the disintegration time of uncoated compressed tablet is 45 minutes, 15 minutes, 30 minutes or 60 minutes. Disintegration time of uncoated compressed tablet. तो uncoated tablet का disintegration time होता है 15 minutes. Option B will be your correct answer. Next question. The uppermost portion of intestine is
डुओडेनम, कोलन, इलियम, रेक्टम। तो कौन सा होता है अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन? तो यह होता है डुओडेनम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज डुओडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड टाइम, टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम। द केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, तो यह होता है टेम्परेचर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटीबायोटिक दैट हैज ए हाई थेरापेटिक इंडेक्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सेफेलैक्सिन, वैनकोमाइसिन। एंटीबायोटिक दैट हैज ए हाई थेरापेटिक इंडेक्स, तो हाई थेरापेटिक इंडेक्स होता है सेफेलैक्सिन का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेफेलैक्सिन हैज ए हाई थेरापेटिक इंडेक्स। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड एरिथ्रोमाइसिन का होता है हाई थेरापेटिक इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिक्सचर कंटेनिंग 10% इथिलीन ऑक्साइड एंड 90% कार्बन डाइऑक्साइड इज क्रायऑक्साइड, पेनोक्साइड, कार्बोक्साइड, ऑक्सीफ्यूम 20। तो क्या होता है मिक्सचर कंटेनिंग 10% इथिलीन ऑक्साइड एंड 90% कार्बन डाइऑक्साइड? तो यह होता है कार्बोक्साइड। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। कार्बोक्साइड इज ए मिक्सचर कंटेनिंग 10% इथिलीन ऑक्साइड एंड 90% कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HLP रेंज फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट इज 3-8, 8-16, 1-5, 10-14। दी एच एल पी रेंज फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, तो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए HLP रेंज होती है 3-8। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन एक्वस सॉल्यूशन, बेस H+ in aqueous solution, OH- in aqueous solution. The strength of a base depends upon the concentration of. तो किसके concentration पे depend करता है strength of a base? तो strength of a base depends upon the concentration of OH negative ions in aqueous solution. Option D हो जाएगा आपका correct answer. OH negative in aqueous solution. Next question. स्पिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर BMR, BP, लंग कैपेसिटी, टेम्परेचर। तो किसके लिए यूज करते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर का? तो इसे यूज करते हैं टू मेजर ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर BP, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर पैराफिन्स अल्डिहाइड्स, अल्किन्स, अल्काइन्स, अल्केन्स। डैश आर पैराफिन्स, तो अल्केन्स आर पैराफिन्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्केन्स आर पैराफिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स? पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, बेसिट्रासिन, नियोमाइसिन। नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स, तो बेसिट्रासिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बेसिट्रासिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स। बेसिट्रासिन इज ऑब्टेन फ्रॉम बेसिलस सब्टिलिस। ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग्स कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग सुटेबल एडजस्टमेंट। लिवोडोपा एंड मेटोक्लोप्रामाइड, फ्यूरोसेमाइड एंड इंडोमिथासिन, टेट्रासाइक्लिन्स एंड फेरस सल्फेट, क्लोनिडिन और क्लोरप्रोमाजिन। इंटरैक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग्स कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग सुटेबल एडजस्टमेंट। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, टेट्रासाइक्लिन्स एंड फेरस सल्फेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Because tetracyclines form insoluble and unabsorbable complexes with iron and iron preparation reduce their absorption. That's why interaction between tetracyclines and ferrous sulfate can be avoided. ठीक है, next question. Gastric lavage contraindicated in which of the following poisoning? Organophosphorus poisoning, sedative drug poisoning, corrosive acid poisoning or barium carbonate poisoning? गैस्ट्रिक लेवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग, तो किस पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लेवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है करोसिव एसिड पॉइजनिंग में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गैस्ट्रिक लेवेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन करोसिव पॉइजनिंग फॉर फियर ऑफ कॉजिंग परफोरेशंस।
क्योंकि परफोरेशन कॉजिंग का खतरा होता है, इसके लिए गैस्ट्रिक लैवेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन करोसिव पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। होमैट्रोपिन इज ए ट्रोपिन एस्टर ऑफ अमाइनो एसिटिक एसिड, ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड, ट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड और ट्रोपिन एस्टर ऑफ अमाइनो फॉर्मिक एसिड। तो क्या है होमैट्रोपिन? तो ये होता है ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। होमैट्रोपिन होता है ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर यूएसपी टाइप 1 ग्लास, यूएसपी टाइप 2 ग्लास, यूएसपी टाइप 3 ग्लास, ऑल ऑफ द अबव। वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर, तो कौन से टाइप ऑफ ग्लास के लिए होती है वाटर अटैक टेस्ट? तो ये होती है टाइप 2 ग्लास के लिए। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप 1 ग्लास होती है बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ग्लास होती है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, देन टाइप 3 ग्लास होती है मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 होती है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, और ये टाइप 4 होती है नॉन पेरेंटल ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैट ऑफ नटमेग इज नोन एज घी, नटमेग ऑयल, नटमेग बटर और नटमेग प्रोटीन। तो क्या होता है द फैट ऑफ नटमेग? तो फैट ऑफ नटमेग को बोलते हैं नटमेग बटर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन नटमेग होता है कार्मिनेटिव एंड इट इज ऑल्सो यूज इन डायरिया। इसकी फैमिली होती है मायरिस्टिकेसी एंड बायोलॉजिकल सोर्स होता है मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेस्टेरॉल कंसिस्ट ऑफ 27 कार्बन आइटम्स, 30 कार्बन आइटम्स, 14 कार्बन आइटम्स और 35 कार्बन आइटम्स। तो कितने कार्बन आइटम्स होते हैं कोलेस्टेरॉल में? तो कोलेस्टेरॉल का फॉर्मूला होता है C27H46O। तो 27 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं कोलेस्टेरॉल में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ दीज इज ए क्विनोलिन एल्केलॉइड्स? अर्गोटामाइन, स्कोपोलामाइन, सिंकोनामाइन और एसरपिन। तो इनमें से कौन सा होता है क्विनोलिन एल्केलॉइड्स? तो हमने देखा था क्विनोलिन एल्केलॉइड में आता है सिंकोना एंड सिंकोनामाइन ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिंकोना का। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंकोनामाइन इज ए क्विनोलिन एल्केलॉइड और सिंकोना की फैमिली होती है रूबियासी और यह होता है एंटी मलेरियल एंड कार्डियक डिप्रेसेंट और इसका सिनोनिम होता है जेसुट्सबर्ग। जेसुट्सबर्ग सिनोनिम होता है सिंकोना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शार्क लिवर ऑयल कंटेंट्स विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ए एंड डी, विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है शार्क लिवर ऑयल में? तो शार्क लिवर ऑयल में प्रेजेंट होता है विटामिन ए। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शार्क लिवर ऑयल कंटेंट्स विटामिन ए एंड कॉड लिवर ऑयल कंटेंट्स विटामिन ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडिफाइड बॉन्ड्रैगर टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स? ओ ग्लाइकोसाइड्स, एन ग्लाइकोसाइड्स, सी ग्लाइकोसाइड्स, एस ग्लाइकोसाइड्स। तो किसके लिए यूज करते हैं मॉडिफाइड बॉन्ड्रैगर टेस्ट का? तो इसे यूज करते हैं सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है मॉडिफाइड बॉन्ड्रैगर टेस्ट। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं सेना, अलो, रूबार्ब, कास्कारा। इसमें सेना एंड रूबार्ब मेनली कंटेंट्स ओ ग्लाइकोसाइड्स। सेना एंड रूबार्ब में प्रेजेंट होते हैं ओ ग्लाइकोसाइड्स एंड अलो में प्रेजेंट होते हैं सी ग्लाइकोसाइड्स एंड एलो की फैमिली होती है लिलियेसी एंड ये होता है कैथेरेटिक एंड पर्गेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविल्स डंग इज द सिनोनिम ऑफ मीर, असाफोटिडा, डिजिटलिस, जिनसेंग। तो किसका सिनोनिम होता है डेविल्स डंग? तो ये सिनोनिम होता है असाफोटिडा का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। असाफोटिडा को बोलते हैं डेविल्स डंग एंड असाफोटिडा होता है ओलियोगम रेजिन। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है फेरुला फोटिडा। इसकी फैमिली होती है अम्बेलीफेरी एंड ये होता है कार्मिनेटिव, लैक्सेटिव एंड एंटीस्पास्मोडिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंटरी इज इन एक्सेस, इन एडेक्वेट, मीगर, एट द लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इन एडेक्वेट। तो कौन सा ड्रग स्टोर होता है आइडियल ड्रग स्टोर? तो ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंटरी इज एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडेक्वेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द परचेस बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड ऑल परचेस ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेसेस, ऑल कैश परचेसेस, ऑल क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली। तो क्या रिकॉर्ड करते हैं परचेस बुक में?
तो द परचेस बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू डिफरेंट केमिकल्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड देयर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द सेम सेल, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म, रिवर्सिबल एंटागोनिज्म, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. तो क्या बोलते हैं इसे, व्हेन टू डिफरेंट केमिकल्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड देयर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द सेम सेल, तो इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होता है व्हेन द टू ड्रग्स एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स और बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स बट हैव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन दे आर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट. एंड इसका एग्जाम्पल होता है एड्रिनलिन एंड हिस्टामाइन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 tablespoonful इज इक्विवेलेंट टू 10 ml, 15 ml, 20 ml और 5 ml. तो कितना होता है 1 tablespoonful? तो 1 tablespoonful होता है 15 ml. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. 15 ml होता है 1 tablespoonful एंड 1 teaspoonful होता है 5 ml. देन 1 dessert spoonful होता है 8 ml एंड 1 drop होता है 0.06 ml एंड 30 ml होता है 1 fluid ounce एंड 1 tumbler full होता है 240 ml. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड सप्लाई टू टीथ इज बाय पैरोटिड आर्टरी, सबलिंगुअल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी. तो टीथ को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, तो ये करती है मैक्सिलरी आर्टरी. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्लड सप्लाई टू टीथ इज बाय मैक्सिलरी आर्टरी. देन अभी आप मुझे बताएंगे कटिंग टीथ कौन से होते हैं, तो कटिंग टीथ होते हैं इंसीजर्स एंड कैनाइंस एंड क्रशिंग टीथ होते हैं मोलार. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेंट्स सेक्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और नॉरएड्रिनलिन. जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेंट्स, तो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या होता है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है आउटर मोस्ट जोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इट सीक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. जोना ग्लोमेरुलोसा सीक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. और एक होता है जोना फैसिकुलाटा एंड इज जोना फैसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट कॉर्टिसोल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन इज थाइमस, थायरॉइड, बोन मैरो, पैराथायरॉइड. साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन, तो क्या होता है साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन, तो ये होता है थाइमस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन इज थाइमस एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोटिंग गिवन फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक इज शुगर कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग, पर्ल कोटिंग और सिल्वर कोटिंग. तो कौन सी कोटिंग होती है फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक, तो ये होती है एंटेरिक कोटिंग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंटेरिक कोटिंग होती है फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक. टैबलेट्स रिक्वायर्ड टू बी डिसइंटीग्रेटेड इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन स्टमक आर कोटेड विथ एंटेरिक कोटिंग एंड इसके लिए यूज करते हैं सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट का. ठीक है, देन शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द मेडिकामेंट. शुगर कोटिंग करते हैं टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द मेडिकामेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द ग्लास इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अल्कली लिबरेटेड क्वालिटी, लिमिट ऑफ अल्कलिनिटी लिबरेटेड बाय इट. तो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द ग्लास इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लिमिट ऑफ अल्कलिनिटी लिबरेटेड बाय इट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. लिमिट ऑफ अल्कलिनिटी लिबरेटेड बाय इट इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट का. ठीक है, तलिस्मा, मंत्रास एंड कौचास कम अंडर मिसब्रांडेड ड्रग्स, पॉइजनस ड्रग्स, मैजिक रिमेडीज, डेंजरस ड्रग्स. तो किस में आते हैं तलिस्मा, मंत्रास एंड कौचास, तो ये आते हैं मैजिक रिमेडीज में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. मैजिक रिमेडीज में आते हैं तलिस्मा, मंत्रास एंड कौचास. देन मैजिक रिमेडीज एक्ट कब बना था, तो ये बना था 1954 में. पॉइजनस ड्रग्स एक्ट कब बना था, तो ये बना था 1919 में. देन डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930. ठीक है, देन ये मिसब्रांडेड ड्रग्स क्या होते हैं,
तो ड्रग इज मिसब्रांडेड इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड मिसब्रांडेड ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, कैलकटा. तो कहाँ पे है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री? तो ये है गाजीपुर में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर. देन इज्जतनगर में क्या है? तो इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जतनगर में. लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कैलकटा में है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी. देन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है कसौली में. एंड सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो ये है गाजियाबाद में. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड उसके लोकेशंस है और इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू एंटी सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन, सेडेटिव एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाइजिन, इमेटिक एक्शन ऑफ लियोडोपा, वैसोडायलेटर एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स. टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू, तो इसका हो जाएगा एंटी सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू एंटी सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन. सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डज नॉट डेवलप टू एट्रोपिन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ प्लेसिबो? प्लेसिबो इज अ डमी मेडिकेशन, प्लेसिबो इज द इनर्ट मटेरियल एडेड टू द ड्रग फॉर मेकिंग टैबलेट्स, प्लेसिबोज डू नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, ऑल पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू प्लेसिबोज. तो इनमें से क्या ट्रू है प्लेसिबो के लिए? तो प्लेसिबो इज अ डमी मेडिकेशन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. प्लेसिबो होता है डमी मेडिकेशन. अभी आप मुझे बताएंगे प्रोड्रग क्या है? तो प्रोड्रग होता है फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव. ठीक है, प्लेसिबो इज अ डमी मेडिकेशन एंड प्रोड्रग इज अ फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी. कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज, IgE मेडिएटेड रिएक्शन, सीरम सिकनेस, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शन. तो इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी? तो ये होता है IgE मेडिएटेड रिएक्शन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. IgE मेडिएटेड रिएक्शन होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इसमें आती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस. एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आर ड्यू टू IgE एंटीबॉडी. देन ए कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज आता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, सीरम सिकनेस आता है टाइप 3 में एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शंस आती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में. ठीक है, और अभी आप मुझे बताएंगे हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी का डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? तो हाइपर सेंसिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग. हाइपर सेंसिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हाइपर सेंसिटिविटी. देन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर दी ओनली ड्रग इफेक्टिव इन टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑरेनोफिन इज यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, हाइपरग्लाइसेमिया, एपिलेप्सी. तो किसमें यूज करते हैं ऑरेनोफिन का? तो इसे यूज करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंटी रूमेटिक ड्रग होता है ऑरेनोफिन. एंटी रूमेटिक ड्रग्स के डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स डीमार्ट्स क्लास में आता है ऑरेनोफिन. और कौन से ड्रग्स आते हैं इसमें? तो डीमार्ट्स में आते हैं सल्फासैलाजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मिथोट्रिक्जेट, अजाथियोप्रिन, साइक्लोसेरिन, डीपेनिसिलामाइन, लेफ्लुओनामाइड. ये सभी होते हैं डीमार्ट्स डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स. देन एंटी रूमेटिक ड्रग के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर क्लास में आते हैं TNF अल्फा इनिबिटर्स. TNF अल्फा इनिबिटर्स होते हैं अडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, इटानरसेप्ट एंड इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट होता है एनाकिंद्रा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर? फिनोबार्बिटोन, प्रोप्रानोलॉल, फिनाइलब्यूटाजोन, थियोफाइलिन. तो इनमें से कौन से ड्रग का एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इन द लीवर? तो ये होता है प्रोप्रानोलॉल का. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रोप्रानोलॉल अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर और प्रोप्रानोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर. देन ए फिनोबार्बिटोन इज ए लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट
और फिनाइल ब्यूटाजोन होता है एनसेड के पायराजोलन डेरिवेटिव क्लास में। देन थियोफाइलिन होता है 1,3-डाइमिथाइल जैंथिन, एंटी अस्थमेटिक ड्रग होता है थियोफाइलिन। देन प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था, ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, तो ये होता है थियोफाइलिन, क्योंकि थियोफाइलिन प्रिपरेशन सिर्फ ओरल एंड पैरेंटल यूज के लिए होते हैं। ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन इज थियोफाइलिन। और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, थियोफाइलिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन को अवॉइड करते हैं बिकॉज ये थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज कराता है लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी, इसलिए थियोफाइलिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग, कोडेन, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन और साल्बुटामोल, तो इनमें से कौन सा है एन एंटीटसिव ड्रग, तो ये होता है कोडेन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एम्ब्रोक्सोल होता है म्यूकोलाइटिक एजेंट, ठीक है, देन ब्रोमहेक्सिन इज ऑल्सो म्यूकोलाइटिक एजेंट, साल्बुटामोल होता है ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनमें से कौन सा है प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक, तो ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेल मेम्ब्रेन इज ए प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्फन ड्रग इज ए वेरी चीप ड्रग, ए ड्रग विच हैज़ नो थेरापेटिक यूज, ए ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिसीज, ए ड्रग विच एक्ट्स ऑन ऑर्फन इन रिसेप्टर्स, तो क्या होता है ऑर्फन ड्रग, तो रेयर डिसीज की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं ऑर्फन ड्रग्स का, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑर्फन ड्रग इज ए ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिसीज। ठीक है, देन और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसेंशियल ड्रग्स आर, एक तो होता है ऑर्फन ड्रग्स और दूसरा होता है इसेंशियल ड्रग्स, तो इसेंशियल ड्रग्स आर ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये दोनों डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्फन ड्रग एंड इसेंशियल ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेस इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक एसिड, ब्रैडीकार्डिया, ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग, तो क्या कॉज कराता है स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, तो ये कॉज कराता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग इज कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG इज इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, ओरल, इंट्रावेनस, तो क्या होता है BCG वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये होता है इंट्राडर्मल, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। BCG वैक्सीन को देते हैं इंट्राडर्मली, और BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिली कैलमेट ग्वेरिन, ये होती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, BCG वैक्सीन इज ए लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय pH पार्टीशन थ्योरी, नॉइज व्हाइटनी लॉ, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, तो किससे कैलकुलेट करते हैं pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम, तो इसके लिए होता है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, और ये नॉइज व्हाइटनी लॉ होता है डिसोल्यूशन रेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोलिक पेन, ब्रोंकियल अस्थमा, कार्डियक अस्थमा, तो किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन, तो मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलिक पेन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन, और अभी आप मुझे बताएंगे मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, तो मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हेड इंजरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, तो इसका होता है हेड इंजरी, एंड ब्रोंकियल अस्थमा में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है बिकॉज इट एग्रीवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा, एंड लास्ट वीडियो में हमने मॉर्फिन के विड्रॉल सिम्टम्स भी देखे थे, तो इसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं लैक्रिमेशन, डायरिया, देन एंग्जाइटी, राइज इन BP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क आर डिटेक्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, थैलोक्विन टेस्ट, लिबरमैन बर्चार्ड टेस्ट, नेस्लर सिलेंडर, तो कौन सी टेस्ट यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क, तो इसके लिए यूज करते हैं थैलोक्विन टेस्ट का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
हेलोक्विन टेस्ट होती है फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स इन सिंकोना बार्क। देन आयोडीन टेस्ट होती है स्टार्च के लिए एंड लीबरमैन बर्चर्ट टेस्ट होती है स्टेरॉइड्स एंड ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, नन ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा ब्लड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, पाउडर मिक्सिंग, क्रूड फाइबर मिक्सिंग। तो किसके लिए यूज करते हैं सिग्मा ब्लड मिक्सर्स का? तो पाउडर मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं सिग्मा ब्लड मिक्सर्स का, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिग्मा ब्लड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन पाउडर मिक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाइनोफाइलिन सॉल्यूशंस ऑन एक्सपोजर टू एयर में डेवलप क्रिस्टल ऑफ थियोफाइलिन, प्रेसिपिटेट ऑफ अमाइनोफाइलिन, प्रेसिपिटेट ऑफ इथिलीन डायमाइन, स्ट्रॉ कलर। तो क्या डेवलप करता है अमाइनोफाइलिन सॉल्यूशन ऑन एक्सपोजर टू एयर? तो ये डेवलप करता है क्रिस्टल ऑफ थियोफाइलिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और अमाइनोफाइलिन होता है थियोफाइलिन एंड इथिलीन डायमाइन। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है अमाइनोफाइलिन इज, तो ये होता है थियोफाइलिन विथ इथिलीन डायमाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लुगोल्स आयोडीन कंटेंट्स 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड, 10% आयोडीन एंड 20% पोटेशियम आयोडाइड, 10% आयोडीन एंड 15% पोटेशियम आयोडाइड, और 5% आयोडीन एंड 15% पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होता है लुगोल्स आयोडीन? तो लुगोल्स आयोडीन होता है 5% आयोडीन इन 10% पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लुगोल्स आयोडीन कंटेंट्स 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, एंड लुगोल्स आयोडीन इज यूज्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इट इज़ यूज प्री ऑपरेटिवली बिकॉज ये थायरॉयड ब्लड फ्लो को रिड्यूस कराता है एंड मेक्स द ग्लैंड कॉम्पैक्ट, इसलिए इसे प्री ऑपरेटिवली यूज करते हैं बिकॉज ये थायरॉयड ब्लड फ्लो रिड्यूस कराता है एंड ग्लैंड को कॉम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स हैज़ ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड, एसिटाजोलामाइड, क्लोरोथायजाइड, स्पायरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड। तो इनमें से कौन से डायूरेटिक का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड? तो ये होता है क्लोरोथायजाइड का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरोथायजाइड हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड। एंड क्लोरोथायजाइड होता है थायजाइड डायूरेटिक, ये कहाँ पर एक्ट करता है? तो थायजाइड डायूरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन होता है ऑन डिस्टल ट्यूबुल, ये एक्ट करता है ऑन डिस्टल ट्यूबुल। देन एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्राइज इनहिबिटर, स्पायरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होता है अल्डोस्टेरॉन का, स्पायरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। देन फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक, ये ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस कॉज कराता है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, डेमिक्लोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक? तो ये होता है मीनोसाइक्लिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मीनोसाइक्लिन होता है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग कॉजेस फैनकोनिस सिंड्रोम, फैनकोनिस सिंड्रोम कौन सा ड्रग कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन कॉजेस फैनकोनिस सिंड्रोम। एंड ये फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स एंड डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज ऑल्सो कॉज्ड बाय टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलाइटिक, कोडेन, कार्बोसिस्टिन, क्लोरफिनिरामाइन, साल्बुटामॉल। तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है म्यूकोलाइटिक? तो म्यूकोलाइटिक में हमने देखा है कार्बोसिस्टिन, एसिटाइलसिस्टिन, एम्ब्रोक्सोल एंड ब्रोमहेक्सिन, ये होते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कार्बोसिस्टिन। कोडेन होता है कफ सप्रेसेंट, क्लोरफिनिरामाइन होता है एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के अल्किल अमाइन क्लास में आता है क्लोरफिनिरामाइन, इसमें आते हैं क्लोरफिनिरामाइन, फिनिरामाइन, ब्रोमफिनिरामाइन। देन साल्बुटामॉल होता है ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज डेल्टॉइड, रेक्टस एब्डोमिनस, सार्टोरियस, बाइसेप्स।
तो इनमें से कौन सा होता है द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी? तो ये होता है सार्टोरियस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सार्टोरियस प्रेजेंट होते हैं फ्रंट थाई में, एंड लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है थाई बोन विच इज फीमर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज मैक्सिला, इथमोइड, मैंडिबल, स्पेनॉइड। तो इनमें से कौन सा होता है द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल? तो ये होता है मैंडिबल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। मैंडिबल होता है लोअर जॉ बोन एंड अपर जॉ बोन होता है मैक्सिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज मोर स्टेबल टू एसिड्स एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी, आईएम, ओरल और एससी। तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन वी, और ये ओरली एक्टिव पेनिसिलिन होता है, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ओरल। और पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ठीक है, देन आईवी रूट से देते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, एंड आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं ऑयली प्रिपरेशंस, एंड इंसुलिन को देते हैं सबक्यूटेनियसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई ऑर्डर इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, इलीगल डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होता है द सप्लाई ऑर्डर? तो सप्लाई ऑर्डर होता है लीगल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयडल डायूरेटिक इज फ्यूरोसेमाइड, क्लोरथायजाइड, स्पायरोनोलैक्टोन और इथाक्राइनिक एसिड। तो इनमें से कौन सा है स्टेरॉयडल डायूरेटिक? तो स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पायरोनोलैक्टोन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पायरोनोलैक्टोन होता है स्टेरॉयडल डायूरेटिक, और ये होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, और स्पायरोनोलैक्टोन होता है कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, देन फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक, और ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्लोरथायजाइड होता है थायजाइड डायूरेटिक, और इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड। एंड इथाक्राइनिक एसिड होता है लूप डायूरेटिक, ये फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, स्ट्रीट मॉल, मल्टीपल शॉप। तो क्या होता है मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन? तो ये होता है सिंगल लाइन स्टोर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डेटा ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोर रिलायबल? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, बोथ ए एंड बी, नन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी डेटा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 6 years, 1 year, 3 years और 5 years। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, तो ये हो जाएगा 5 years, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years। एंड डी टैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होल्ड दी ऑफिस फॉर 3 years। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होल्ड दी ऑफिस फॉर 3 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 20, 30, 50 और अनलिमिटेड। तो कितने होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? तो ये होते हैं 50, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये होते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, देन मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइल कोलिन? टीयर, स्वेट, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइल कोलिन? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बाइल। बाइल इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइल कोलिन। तो अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? तो ये होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज द एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन टैबलेट, कैप्सूल्स, सॉल्यूशन, पिल्स। तो किसके लिए नहीं होती डिसइंटीग्रेशन टेस्ट? तो टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, इन सभी के लिए होती है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट।
इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सॉल्यूशंस. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग, डिजिटलिस, सिंकोना, अलो, क्लो. तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में नहीं आता, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग. तो ये हो जाएगा एलो. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एलो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग. एलो आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में. इसकी फैमिली होती है लिलियसी एंड इसमें बारबेलोइन प्रेजेंट होता है 3.5 to 4%. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम इज, इथाक्राइनिक एसिड, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और एसिटाजोलामाइड. ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम इज. तो किस में फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होती है, तो फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होती है फ्यूरोसेमाइड में. सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक एंड ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक इज, डेपिलेटरी प्रिपरेशन, इपिलेटरी प्रिपरेशन, फ्रैग्रेंस, पॉलीमॉर्फ इनहिबिटर. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन ए, डेपिलेटरी प्रिपरेशन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम फॉर कोल्ड क्रीम इज, डे क्रीम, क्लिंजिंग क्रीम, फाउंडेशन क्रीम और हैंड क्रीम. द अदर नेम फॉर कोल्ड क्रीम, तो क्या बोलते हैं कोल्ड क्रीम को, तो इसे बोलते हैं क्लिंजिंग क्रीम. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. द अदर नेम फॉर कोल्ड क्रीम इज क्लिंजिंग क्रीम. एंड कोल्ड क्रीम होती है इमल्शन. कोल्ड क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम. तो इनमें से किसकी मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, विच ड्रग हैज़ मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, तो ये होती है एसिटामिनोफेन की. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एसिटामिनोफेन हैज़ मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी. एंड एसिटामिनोफेन के पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का. देन रेस सिंड्रोम के पेशेंट्स में यूज करते हैं एसिटामिनोफेन का. एंड रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन. एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और ये स्मॉल डोज में एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. देन आइबुप्रोफेन आता है एनसेड के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में एंड आइबुप्रोफेन इज एसोसिएटेड विथ फोटो सेंसिटिविटी. देन डाइक्लोफेनक होता है एनसेड के अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस, बीजवैक्स, सॉफ्ट पैराफिन, माइक्रोगोल्स, लैनोलिन. तो इनमें से कौन सा है वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस, तो ये हो जाएगा माइक्रोगोल्स. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. माइक्रोगोल इज ए वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस एंड इसे वजाइनल सपोजिटरी में यूज करते हैं. देन बीजवैक्स होता है पॉलिशिंग एजेंट, टैबलेट पॉलिशिंग में इसे यूज करते हैं. देन सॉफ्ट पैराफिन को यूज करते हैं हैंड क्रीम्स में, ये हीलिंग एजेंट होता है यूज्ड इन हैंड क्रीम्स. ठीक है, एंड लैनोलिन होता है हाइड्रस वूल फैट. हाइड्रस वूल फैट होता है लैनोलिन. ठीक है, एक्वस इंजेक्शंस आर डिस्पेंस्ड इन कंटेनर्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास, टाइप 3 ग्लास, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास और ऑर्डिनरी ग्लास. तो इनमें से कौन से ग्लास कंटेनर्स में डिस्पेंस करते हैं एक्वस इंजेक्शंस को, तो इनके लिए यूज करते हैं टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स में डिस्पेंस करते हैं एक्वस इंजेक्शंस को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमोथेराप्यूटिक एजेंट, क्लोट्रिमोक्साजोल, कार्बेनेसिलिन, क्लोरफिनिरामाइन, क्लोरामफेनिकॉल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमोथेराप्यूटिक एजेंट, तो इनमें से कौन सा केमोथेराप्यूटिक एजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा क्लोरफिनिरामाइन. क्लोरफिनिरामाइन इज नॉट ए केमोथेराप्यूटिक एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स लिपिड सोल्युबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, रेट ऑफ टूबुलर सिक्रीशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स. तो इनमें से कौन अफेक्ट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग को, तो इसे अफेक्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेज 2 मेटाबोलिज्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कंजगेशन, हाइड्रोलाइसिस.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेज टू मेटाबोलिज्म रिएक्शन। इनमें से कौन सा है फेज टू मेटाबोलिज्म रिएक्शन? तो फेज टू मेटाबोलिज्म रिएक्शंस में आता है कॉन्जुगेशन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस आते हैं फेज वन मेटाबोलिज्म रिएक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पिन लिनिमेंट इज यूज्ड फॉर द स्किन एज काउंटर इरिटेंट, प्रोटेक्टिव, लोकल एनास्थेटिक और एनाल्जेसिक। तो टर्पिन लिनिमेंट को यूज करते हैं फॉर द स्किन एज काउंटर इरिटेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टर्पिन लिनिमेंट इज यूज्ड फॉर द स्किन एज काउंटर इरिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूरिया डेरिवेटिव टोलाजामाइड कंटेंस 7 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप। तो क्या होता है टोलाजामाइड में? तो टोलाजामाइड कंटेंस 7 मेंबर्ड रिंग, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 7 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है टोलाजामाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन वायल्स, एम्पुल्स, इन्फ्यूजन बॉटल्स, डिस्पोजेबल सेट्स। मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन, तो इन्हें पैक करते हैं वायल्स में, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन वायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स रेनल क्लियरेंस, प्लाज्मा हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट। द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स, तो लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेशनरी फेज यूज इन TLC इज सिलिका जेल, ऑक्टाडेकाइल सिलेनॉल, एपिजोन ऑयल, वैक्स। द स्टेशनरी फेज यूज इन TLC इज, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सिलिका जेल। द स्टेशनरी फेज यूज इन TLC इज सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर 4 प्लाज्मा हाफ लाइव्स इज, अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर 4 प्लाज्मा हाफ लाइव्स 6.25%, 12.5%, 25% और 50%। अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर 4 प्लाज्मा हाफ लाइव्स, तो ये होता है 6.25%, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्गॉट इज ए फ्रूट, सीड, फंगस और राय प्लांट। क्या होता है अर्गॉट? तो अर्गॉट इज ए फंगस, ऑप्शन सी फंगस होता है अर्गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 7 बोन्स इन वर्टेब्रल कॉलम आर कलेक्टिवली कॉल्ड थोरेसिक वर्टेब्री, सैक्रम, कोकिक्स, सर्वाइकल। फर्स्ट 7 बोन्स इन वर्टेब्रल कॉलम आर कलेक्टिवली कॉल्ड, तो इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द फर्स्ट 7 बोन्स इन द वर्टेब्रल कॉलम आर कलेक्टिवली कॉल्ड सर्वाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट -28 डिग्री सेल्सियस और बिलो, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। द ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट, तो क्या होता है स्टोरेज कंडीशन फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन? तो इन्हें स्टोर करते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट कॉजेस बर्सिटिस, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स कॉजेस, तो क्या कॉज कराता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स? तो ये कॉज कराता है गाउट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। गाउट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम, RF वैल्यू, RX वैल्यू, रिटेंशन वॉल्यूम। तो क्या होता है रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट? तो इसे बोलते हैं RF वैल्यू, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट्स इज निफेडिपाइन, लिसिनोप्रिल, प्रोप्रानोलॉल, सोडियम नाइट्रोप्रसाइड। द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट्स, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, प्रोप्रानोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मीन्स
volume of plasma which is cleared of drug in unit of time, amount of drug excreted in urine, amount of drug metabolized in unit of time, or all of the above. तो क्या होता है ड्रग क्लियरेंस? तो ड्रग क्लियरेंस होता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ द ड्रग जेरियाट्रिक पेशेंट्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वेट ऑफ द बॉडी, एज ऑफ द पेशेंट, कंडीशन ऑफ किडनी एंड लीवर, नन ऑफ द अबव. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डोज ऑफ द ड्रग जेरियाट्रिक पेशेंट्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन. तो जेरियाट्रिक पेशेंट्स में डोज ऑफ द ड्रग इज कैलकुलेटेड ऑन वेट ऑफ द बॉडी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, वेट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिल नीलसन स्टेनिंग इज एडॉप्टेड टू आइडेंटिफाई ई कोलाई, एस टाइफी, नोकार्डिया, सी डिप्थेरिया. तो किसके लिए यूज करते हैं जिल नीलसन स्टेनिंग का? तो इसे यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई ई कोलाई, इश्चेरिकी या कोलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं जिल नीलसन स्टेनिंग का. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल आर डील्स विथ स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट्स. तो इनमें से किसके लिए होता है शेड्यूल आर? क्या आता है शेड्यूल आर में? तो शेड्यूल आर होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं शेड्यूल आर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रग गेटिंग एब्जॉर्ब फ्रॉम GI ट्रैक बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एस्पिरिन, यूरासिल, विटामिन सी, पेनिसिलिन. एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रग गेटिंग एब्जॉर्ब फ्रॉम GI ट्रैक बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ये होता है विटामिन सी. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. विटामिन सी एब्जॉर्ब फ्रॉम GI ट्रैक बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड, डाइसल्फिराम, फाइसोस्टिग्माइन, थियोफाइलिन. कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फाइसोस्टिग्माइन इज ए कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राऑक्युलर प्रेशर इज क्लासिफाइड एज एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ग्लूकोमा, एंटी मायोटिक. ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राऑक्युलर प्रेशर, तो इनमें से क्या डिक्रीज कराता है इंट्राऑक्युलर प्रेशर? तो ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राऑक्युलर प्रेशर इज क्लासिफाइड एज एंटी ग्लूकोमा ड्रग. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एंटी ग्लूकोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्शियल एगोनिस्ट कैन एंटागोनाइज द इफेक्ट्स ऑफ ए फुल एगोनिस्ट बिकॉज इट हैज हाई एफिनिटी बट लो इंट्रेंसिक एक्टिविटी, लो एफिनिटी बट हाई इंट्रेंसिक एक्टिविटी, नो एफिनिटी एंड लो इंट्रेंसिक एक्टिविटी, और हाई एफिनिटी बट नो इंट्रेंसिक एक्टिविटी. ए पार्शियल एगोनिस्ट कैन एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ ए फुल एगोनिस्ट बिकॉज इट हैज. पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनाइज करता है इफेक्ट्स ऑफ ए फुल एगोनिस्ट बिकॉज इट हैज हाई एफिनिटी एंड लो इंट्रेंसिक एक्टिविटी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. पार्शियल एगोनिस्ट हैज हाई एफिनिटी बट लो इंट्रेंसिक एक्टिविटी, इसलिए ये एंटागोनाइज करता है इफेक्ट्स ऑफ फुल एगोनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिटरी बेसिस यूज्ड आर दोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ 20-25 डिग्री सेल्सियस, 43-50 डिग्री सेल्सियस, 37-40 डिग्री सेल्सियस, 15-18 डिग्री सेल्सियस. तो कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है सपोजिटरी बेसिस का? तो सपोजिटरी बेसिस का मेल्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन 37-40 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 37-40 डिग्री सेल्सियस. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.